नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन बाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए शुरू किए रोजगार मेले में कहा कि आज का ये रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले से जुड़े सभी युवाओं को बधाई दी जाती है। आज 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और पिछले महीने आज के दिन धनतेरस के दिन ही 75,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार सरकारी नौकरी में रोजगार देने के मिशन मोड पर काम कर रही है। और साथ ही पीएम ने यह भी कह दिया कि बीजेपी शासित कई राज्यों जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इसी प्रकार का प्रयास किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि गोवा और त्रिपुरा में भी 28 नवंबर को इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार होने का यही फायदा होता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और हमने भारत को विकसित बनाने का प्रण लिया है और इस प्रण में आप सब सारथी बनने जा रहे हैं और सभी नियोजित युवाओं के लिए ही एक विशेष कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ के नाम से शुरू हो रही है। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है और हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर के जरिए ही बड़ी संख्या में रोजगार को सृजन और अवसर दिया है जिसमें ड्रोन से होने वाले रोजगार शामिल है। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं से आग्रह है कि वे नए अवसरों का भी पूरा लाभ उठाएं। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के वीडियो लीक मामले में नया खुलासा हुआ है और बीते दिनों ही उनका जेल के बैरक से एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक शख्स उनको मसाज देता दिख रहा था। और अब तिहाड़ जेल के सूत्रों से पता चला है कि वो शख्स कोई फिजियोथेरेपी नहीं था बल्कि वो तो रेप केस में ही सजा काट रहा कैदी बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो पता चला है कि उसका नाम रिंकू है और रिंकू पर POCSO की धारा 6 और IPC की धारा 376 और 506 और 509 के तहत आरोप लगाए गए हैं। वीडियो लीक मामले जैसे ही नया खुलासा हुआ तो बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। और दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया है और पूछा कि सत्येंद्र जैन ने रेप के आरोपी से क्या डील की थी। और वहीं बीजेपी नेता शहजाद पनावाला ने भी ट्वीट किया है तो सजा की जगह सत्येंद्र जैन को पूरा VVIP मजा मिल रहा था। तिहाड़ जेल के अंदर मसाज और 5 महीने से जमानत नहीं मिल पाने वाले हवालाबाज के सिर की मसाज हो रही है और आप सरकार के संचालित जेल के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इस तरह के वसूली के लिए आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया गया है। केजरीवाल को धन्यवाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा भी यात्रा में हिस्सा लेंगे। प्रियंका मध्य प्रदेश के ही बरहानपुर से राहुल गांधी के साथ कदम ताल करेंगी और यात्रा में प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी अपने परिवार के साथ कल शाम ही महाराष्ट्र के जामोद पहुंचेंगी और भारत यात्रियों ने ही बताया है कि प्रियंका गांधी के ठहरने के लिए सभी भारत जोड़ो यात्रा आयोजन समिति के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने अपना कंटेनर खाली किया है। इसके अलावा कुछ कंटेनर और खाली कराए गए हैं। प्रियंका गांधी को लेकर ही 4 से 5 दिन भारत यात्रियों के साथ रहेंगी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है और साकेत कोर्ट ने अपने लिविंग पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफताब की पुलिस कस्टडी जो है वो 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई की और इस दौरान आफताब ने जज से कहा कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा का मर्डर किया था। और बताते चले आपको कि आज आफताब की पुलिस कस्टडी जो है वो खत्म हो रही थी और आफताब अब
तक 10 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रह चुका है। वो 4 दिन और रहेगा और आफ्ताब के वकील के मुताबिक कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कोर्ट में ही श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने जज के सामने कहा कि जो किया गलती हुई है और जो किया गुस्से में किया। आफ्ताब ने यह भी कहा है कि उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में पूरे तरीके से सच्चाई नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मेरे द्वारा किया गया वो गुस्से में किया गया है। पानीपत, आपको बता दें कि आफ्ताब को लेकर यह मामला सामने आया है जहां पर आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हरियाणा के सोनीपत जिले में गोहाना के गांव शामड़ी में शराब पीने से 5 लोगों की हालत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 गांव शामड़ी के रहने वाले हैं जबकि चौथा उनका रिश्तेदार गांव बड़श्याम का रहने वाला बताया गया है। और घटना का पूरा जो पता लगने पर ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में कच्ची शराब पीने से मौत होने की बात सामने आ रही है। ग्रामीण शराब कहां से लेकर आए इसकी जांच की जा रही है। आवास विकास बांदा के आवासीय भवनों में दबंगों द्वारा अवैध तरीके से अस्पताल और क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए बताया गया है कि कुछ भूखंड की समिति है और जिसमें व्यवसायिक कार्य किया जा सकता, बाकी पूरा आवास जो है विकास आवासीय योजना है और हॉस्पिटल क्लिनिक और इसके साथ ही सेंटरों में ही आने वाले लोग मनमाने ढंग से 4 पहिया वाहन खड़ा करते हैं जिससे मोहल्लेवासी जाम से परेशान है और हॉस्पिटल और क्लिनिकों का गंदा कचरा मोहल्ले में फेंक दिया जाता है जिसमें मोहल्ले में प्रदूषण और बीमारियां बढ़ रही हैं। और जिस तरह से अवैध और मनमाने ढंग से क्लिनिक हॉस्पिटल चला रहे हैं मोहल्ले वालों का जीना दुर्लभ हो गया है। कुछ दिनों पूर्व ही मोहल्ले वासियों ने आवास विकास परिषद के आधारशाली अभियंता को शिकायती पत्र दिया था तो विभागीय नोटिस भी थमा दी गई, लेकिन अभी भी विभागीय कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मोहल्ले वासियों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन ने इन अवैध हॉस्पिटल क्लिनिक सेंटरों के ऊपर कार्रवाई नहीं की तो मोहल्लेवासी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो आपको बता दें बांदा से खबर है जहां पर लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अस्पताल के जरिए अवैध काम किए जा रहे हैं और दबंग चला रहे हैं अवैध तरीके से अस्पताल, ऐसी खबर सामने आ रही है बांदा से। जो अवैध रूप से रिहायशी इलाके में अस्पताल और क्लिनिक खोले गए हैं दबंगों द्वारा, उनके विषय में हम लोग आज जिलाधिकारी महोदया को शिकायती मोहल्ले वासियों के साथ में शिकायत देने आए थे कि हमारा मोहल्ले को जब हम लोगों ने लिया था मकानों को तब उस समय हम लोगों को आवासीय कहकर दिया गया था और 1 या 2 भूखंड ही के वहाँ पर यानी कि थे जिनमें से कमर्शियल काम हो सकता था। आवास विकास में जो है अब यहाँ काफ़ी समय से कुछ डॉक्टर कुछ नर्सेस या कुछ अवैध क्लिनिक सेंटर यहाँ जबरदस्ती खोले गए। देखिए हम आवास विकास के मूल निवासी कह लीजिए, हम लगभग 30-32 सालों से यहाँ पे हैं। हमको आवास विकास ये कह के बेचा गया था कि एक स्कीमी मोहल्ला है और यहाँ 1 या 2 भूखंड केवल कमर्शियल हैं, बाकी सभी आवासीय। आज आप देखिए गली गली 2-2, 3-3, 4-4 नर्सिंग होम खुल गए, यहाँ जो है एबोशन सेंटर तक आवास विकास के अंदर खुल गया है। उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, जिसका नतीजा ये होता है कि मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल कई बार लापरवाही बरतते हैं और इस वजह से मरीजों की मौत तक हो जाती है। और ऐसा ही एक नज़ारा जालौन के मुख्यालय उरई से देखने को मिला है। यहाँ के कान्हा हॉस्पिटल में एक महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया जिसके बाद इलाज में लापरवाही होने के बाद नवजात की मौत हो गई। इस दौरान ही परिजनों ने काफ़ी हंगामा काटा, बाद में पुलिस के पहुंचने पर मामले को शांत किया गया।
वहीं ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति क्यों करता है। आखिर मोटा मुनाफा कमाने वाले हॉस्पिटल के खिलाफ अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं CMO जालौन NND शर्मा ने ये भी जानकारी दी है कि नवजात शिशु का मामला संज्ञान में आया है, कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, अपने स्तर से जाँच करा कर कार्रवाई की जाएगी। विभाग में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल पंजीकृत है उनका रिन्यू समय से कराया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ जालौन से संवाददाता जैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैद, जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में ही स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, क्या है इसके बारे में? जी मैं आपको बता दें, पूरा मामला जालौन से का है, जहां पर थाना हॉस्पिटल आए दिन कोई ना कोई मरीजों की इस तरीके से जान जाती रहती है। हेलो जी जैद, आपकी आवाज आ रही है, लोगों का विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, विस्तार से बताइए पूरा मामला क्या है? ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है ना, वो इस प्रकार से देखते हैं कि ऐसे प्राइवेट अस्पताल जो चल रहे हैं इनमें डॉक्टर है कि नहीं है, डॉक्टरों की पूर्ति है कि नहीं है, और इसी तरीके से कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतनी बड़ी का खामियाजा भुगतने पड़ता है कि किसी आदमी की जान भी चली जाती है। जी, और लोगों का क्या कुछ कहना है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग मौजूद हैं वहाँ पर, क्या कह रहे हैं? लोगों का कहना यह है कि इन्होंने मोटी रकम वसूलने की कोशिश करी है जो गरीब आदमी दे नहीं सकता है, तो इस तरीके से इन्होंने बोला है कि जब किसी व्यक्ति की जान चली गई तो इनका कहना यह था कि आपने जिस तरीके का इलाज हमने बताया था, जो चीजें हमने बताई थी, आप उसको पूर्ति नहीं कर पाए, इस वजह से आपकी गलती की वजह से उनकी जान गई हुई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरीके का मामला इससे पहले आए दिन कुछ बीते दिनों में भी हुआ था, जो जिसको पैसे ले देकर दफा दफा कर दिया जाता है। जी, तो बड़ी लापरवाही सामने आ रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, तो बहुत बहुत शुक्रिया जैद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। जालौन में बिचौलियों और दलालों से IAS अधिकारी परेशान हो गए हैं। दलालों से परेशान होकर IAS अधिकारी ने ऑफिस के बाहर अनोखा फरमान लिखवाया है। आपको बताते चले कि SDM कालपे अभिषेक कुमार के फरमान की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल IAS अधिकारी ने ऑफिस के बाहर बड़े अक्षरों में लिखवाया है कि यहाँ मिलने का कोई पैसा नहीं लगता, और IAS अधिकारी की इस पहल से लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो आपको बता दें, जालौन से खबर है जहां पर ऑफिस के बाहर अनोखा फरमान लिखाया गया है। दरअसल आपको बता दें, जालौन से खबर है जहां पर अब दलालों से परेशान हुए IAS अधिकारी ने फरमान लिख दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ जालौन से संवाददाता जैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैद, जिस तरह से मामला सामने आया है कि IAS अधिकारी की बड़ी पहल सामने आई है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी मैं बता दूं, ये पूरा मामला जालौन के कालपी क्षेत्र का है, जहाँ IAS ऑफिसर ने एक फरमान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दलालों से सावधान रहें। जो दलाल ऑफिस के बाहर या कहीं पुलिस विभाग के कोई भी बड़े अधिकारियों के विभाग के बाहर खड़े रहते हैं, तो उनका कहना ये है कि ऐसे दलालों से सावधान रहें और जो भी है डायरेक्ट आए और सीधे आके हमसे मिले, किसी भी तरीके का कोई भी पैसा बाहर ना दें। जी जैद, दलालों से परेशान बताए जा रहे हैं IAS। जी इसी तरीके के दलाल ये बाहर खड़े रहते हैं और जो गांव से या ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं उनको ये मिसगाइड करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपका काम किस में करा देंगे, जो काम निशुल्क हो सकता है उसके लिए ये लोग पैसे ले लेते हैं। जी जैद, जिस तरह से यहाँ पर दलालों के ऊपर ये जो दलाल करते हैं फरमान अपना, उसको लेकर ये बड़ी पहल देखने को मिल रही है IAS अधिकारी की तरफ से, और ऑफिस के बाहर ये अनोखा जो फरमान उन्होंने लिखाया है, इससे लोगों का क्या कुछ कहना है, वहाँ आसपास के मौजूद लोगों का? आसपास के लोगों का कहना है कि इस तरीके के फरमान से और ऐसे अधिकारियों के आने से हमारे
देश में या शहर में विकास की जो स्तर है वो कुछ बढ़ेगा और हम कुछ आगे बढ़ चढ़ के सब चीजों में हिस्सा ले सकेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज मंगलोर के उदलहेडी से ही हुंकार भरेंगे और साथ ही आपको बताते चले कि वो हरिद्वार में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलोर क्षेत्र के ही उदलहेडी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जनसभा को संबोधित करेंगे और इस यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा उदलहेडी से प्रारंभ होकर लहबोली से मन्नाखेड़ी और इसके साथ ही दहियाकी से होकर ही नसीरपुर में पहले दिन समाप्त होगी। तो आपको मंगलोर से खबर बता रहे हैं जहां पर भारत जोड़ो यात्रा की पहल दिखाई दे रही है। पूर्व सीएम ही हरीश रावत जनसभा करेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत जनसभा करेंगे, हरिद्वार से शुरू करेंगे भारत जोड़ो यात्रा। तो आपको बताते चलें कि मंगलोर से खबर है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज मंगलोर के ही उदलहेडी में हुंकार भरेंगे और साथ ही आपको ये भी बता दें कि वह हरिद्वार में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी करेंगे और पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलोर क्षेत्र के ही उदलहेडी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इस यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक मौजूद रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा उदलहेडी से प्रारंभ होकर लहबोली, मन्नाखेड़ी और दैकई से होकर ही नसीरपुर में पहले दिन समाप्त होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ मंगलोर से संवाददाता अकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकील, खबर सामने आ रही है पूर्व सीएम हरीश रावत जनसभा करेंगे। जी देखिए, जैसे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जिसका नेतृत्व कांग्रेस के राहुल गांधी कर रहे हैं, इसी को लेकर हरिद्वार में भी भारत जोड़ो हरिद्वार बचाओ यात्रा का आगाज हो चुका है जिसका नेतृत्व जो है सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करेंगे। ये यात्रा मंगलोर क्षेत्र के उदलहेडी गांव से शुरू होगी। उदलहेडी गांव में पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर यात्रा का, इस यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज भी शामिल होंगे, कई विधायक भी शामिल होंगे। तो इस यात्रा का जो नेतृत्व हरीश रावत करेंगे। जी जी, अकेले इसमें कितना जनसैलाब देखने को मिल सकता है? पूर्व सीएम हरीश रावत जनसभा करने जा रहे हैं। जी देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो कांग्रेस से जो वोट छिड़ रहा है, पिछड़ रहा है, उसको जोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा करेगी। इसमें दिग्गज शामिल होंगे और कांग्रेस अपना पूरा जोर आजमाइश करेगी। एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन भी देखा जा सकता है क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव भी उसको देखते हुए हरीश रावत हरिद्वार में काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के विधायक जैसे झगड़े के विधायक वीरेंद्र कुमार जाती हो या फिर भगवान विधायक ममता राकेश, वो इसमें यात्रा में शामिल होंगे। पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन मंगलोर के, वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा मंगलोर क्षेत्र के कई गांवों से गुजरेगी और ये 2 दिवसीय यात्रा है। जी जी अखिल, जैसे कि बताया जा रहा है इसमें कई बड़े मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, क्या कौन से मंत्री रहेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? जो देखिए, मंत्री तो शामिल नहीं होंगे क्योंकि कांग्रेस की यात्रा है, इसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे और जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ और कांग्रेस के कई जो बड़े नेता है वो भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने बताए जा रहे हैं। जी अखिल, ये यात्रा कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी? कितने समय की ये यात्रा रहेगी? कुछ इसकी अपडेट सामने आ पाई है अभी तक? जी, यात्रा का अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और शुरू होने के बाद ये के गांव से गुजरेगी और मंगलोर क्षेत्र के नसीरपुर गांव में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, वो विश्राम करेंगे। आज दलित का गांव है, ये वहीं विश्राम करेंगे और अगले दिन यानी कल भी इस यात्रा के गांव से गुजरेगी। जी जी, और वहां पर लोगों में किस तरह की, यहां कांग्रेस के प्रति किस तरह की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की दिख रही है कि यहां वो शामिल होंगे? बिल्कुल, इस यात्रा को लेकर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह है क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। उसको देखते हुए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कई दिनों से इसका प्रचार भी कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा का। कांग्रेस के खेमे में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। जी अखिल, विपक्ष का कुछ इस पर बयान सामने आया है अभी तक?
विपक्ष का तो कोई बयान नहीं, आप मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस खुद ही विपक्ष में है उत्तराखंड में, सरकार यहाँ भाजपा की है, तो अपनी जमीन को तलाशने के लिए कांग्रेस इस यात्रा का आगाज कर रही है। जी अखिल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। पौड़ी जिले के ही चोबट्टा खाल विधानसभा के इन दिनों पर्यटक मंत्री और इसके साथ ही चोबट्टा खाल के विधायक सतपाल महाराज अपने विधानसभा दौरे पर है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ही 3 दिवसीय विधानसभा दौरे के दौरान लगभग 36 करोड़ की लागत की योजनाओं की सौगात अपने क्षेत्र को दी है और इस दौरान ही उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के खान पान के साथ साथ होमस्टे को बढ़ावा देने का भी प्रयास कर रही है ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां आ सके। वासियों को 12 करोड़ 19 लाख 82 हजार की सौगात दी गई है। इसमें हम लोग सतपुली के अंदर कार पार्किंग बना रहे हैं जो 3 करोड़ 52 लाख 53 हजार का बन के तैयार होगा। इसमें यहां ब्यास घाट में एक TRH बनने जा रहा है जो मुख्यमंत्री की घोषणा है। 4 करोड़ 76 लाख 57 हजार नगर पंचायत सतपुली में बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और यहां पर सभागार बनके तैयार होगा। 2 करोड़ 81 लाख 6 हजार की लागत में बनके तैयार होगा। ये यहां के लिए बहुत बड़ी सौगात है। चमासू धार में लिफ्ट निर्माण का लोकार्पण आज किया गया है। 1 करोड़ 9 लाख 66 हजार 12 करोड़ 19 लाख 82 हजार की सौगात दी गई है। ये 3 दिन के प्रवास में 36 करोड़ की योजनाओं का हमने शिलान्यास और लोकार्पण किया है जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। अभी मैं बैठाना घाट रसिया महादेव की पंपिंग योजना का करके आया, बहुत इम्पॉर्टेंट वो है और उस क्षेत्र के लिए वो पानी पहुंचाएगी, सबको पानी मिलेगा। और यहाँ पर जो है पलायन जो हमारा है, पानी के अभाव में पलायन हो रहा है, सड़कों के अभाव में पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोक लगेगी। महाराज जी, संतुधार में जो विद्यालय है उसमें टीचरों के अभाव कम है और वहाँ पर प्रधानाचार्य की भी नियुक्ति नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के पाठन पाठन में निश्चित रूप से आपकी बात है, वो मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की है, उसको उसकी भरपाई करेंगे, जो जो कमियाँ हैं उसको पूरा करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।